हेलो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं अपना एक न्यू वीडियो लेके जो कि होने वाला है सिनरेंस के ऊपर। यस, ये सिनरेंस के ऊपर होने वाला है। एंड अगर आप लोग सोलो पुश करते हो, ये वाला मैच पूरा पूरा हमारा सोलो होने वाला है जिसमें हम रैंडम्स के साथ खेल रहे हैं। अगर आप सोलो पुश करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सोलो क्यू में बेस्ट डीलर, बेस्ट मेल्टिंग पावर रखने वाला होने वाला है सिनरेंस, क्योंकि जो एम्बलम्स अभी मैं आपको शो करने वाला हूँ उसके साथ विथ अगर बात करो तो आपको बिल्ड के साथ बहुत ज़्यादा ये उपयोग होगा। मैं एम्बलम्स में यही कहूँगा कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ जो मैं आपको अभी शो कर दूँगा, बट हाँ जो मेरा बिल्ड है वो रेड स्काफ वाला होने वाला है। एंड जो ही मैं इससे स्टील किया हूँ, अनबिलीवेबल स्टीलिंग हुआ है यहाँ पे। ये देखो मैं कितना ज़्यादा इसको यहाँ पे लेट करूँगा, बट यार यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि ये किल मेरा हो जाए, पर नसीब अच्छा था टेलीफ्लेम जाते जाते एक किल अपने साथ लेके गया। लाइक चलो कोई बात नहीं, मैं अभी अपना बफ पे फोकस कर लेता हूँ, बिकॉज यार मुझे जितना जल्दी हो पाए लेवल 7 लेना था। लेवल 7 वी ऑल नो कि यार ब्लेस किक के साथ सिंड्रेंस ओपी और ज़्यादा हो जाता है, तो मैं जस्ट वेट कर रहा था कि जल्द से जल्द अभी अपना लेवल 7 हो जाए। एक बार अभी हम डेड हो चुके थे, मेरे को लगा या नीचे गोल होगा, बट लेकिन फिर मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा गोल 30 का है, तो भी जस्ट वेट कर रहा है। एंड जब भी आप डाउन खेलो, देखो एक चीज़ समझो, सोलो क्यू में अगर आप डाउन खेलो आपके नीचे बेस टूट जा रहा है, ऐसा मत सोचो कि आपका गेम आप ये हाथ से निकल गया या गेम आप हार गए। नहीं ब्रो, डाउन जाएगा, डाउन जाते आपको ज़्यादा और मैं कह सकता हूँ कि और ज़्यादा आपको लेवल्स मिलने वाले, क्योंकि और ज़्यादा आपको आपके बफ उठाने के लिए सामान मिल जाएंगे, और ज़्यादा कीड़े मकोड़ों को मार के आप पोकेमॉन्स को मार के आप अपना लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो। ये मैच देखो हमारे हाथ से निकल गया था, बट ये मैच को हमने कैसे ट्रैक पे लाया और कैसे ही एक जिसे कहते हैं ना किल स्टील करना, मैं अभी शुरुआत में किल स्टील करना आपको दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मेरे को पता था कि शुरुआत में मेरा यहाँ पे नीचे वाला बेस टूट जाएगा, मैंने ऊपर से देख लिया था कि यार 12 और 10 पॉइंट बचा, छोड़ दो उसको वहाँ पे टूटने दो, यहाँ से अभी मैं चुपचाप अपना बफ उठाऊंगा। और यहाँ पे बफ से उठा के अभी अपना मैं लेवल अप पे ध्यान दूंगा, तो अभी पूरा का पूरा फोकस अभी हम अपना लेवल अप पे करेंगे कि जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट अभी हमारा ना हो। इसलिए देखो यहाँ पे मेरा लेवल अप हो गया, मेरे को मेरा यहाँ पे लेवल 5 मिल गया। एंड ऊपर मेरे बंदे लड़ रहे हैं, देखो तुमको मन करेगा कि जाए जाके लेवल अप करवाए, बंदों को थोड़ा सा सपोर्ट करे, बट कभी कभार देखो बंदों को सपोर्ट ना करना भी ना ठीक होता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने बंदों को कहीं ना कहीं पूरी तरीका से कैरी करने वाले। तो मैं यही सोच के चला था कि यार लॉन्ग टर्म में मैं अपने बंदों को पूरी तरीके से कैरी करूँगा, पहले अपना मैं लेवल अप उठा लूँ उसके बाद कुछ करूँगा। लेवल 5 मैंने किया, यहाँ नीचे मैंने देखा यहाँ पे कुछ मेरे को बफ नहीं मिला, ऊपर मैंने यहाँ पे देखा कि ये लोग लड़ रहे थे, तो हम लोग चलो यार किल लेते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियसली किल स्टीलर जैसा मेरा काम है वैसा भी काम को अपना अच्छी तरह से कंप्लीट करना पड़ा। किल स्टील किया, ऊपर यहाँ पे गए, यहाँ पे मुझे पिकाचू मिल गया, पिकाचू को यहाँ पे पकड़ेंगे, पिकाचू भी यहाँ पे खत्म इजीली उसको यहाँ पे खत्म करेंगे। यहाँ पे एक और हमें यहाँ पे गार्डिवर मिल गया, बट उसको खत्म नहीं कर पाया यहाँ पे एप्स, और पीछे से आके मुझे यार स्नेक पिक मारा पूरी तरीके से, मैं इसका एक बार में खत्म हो गया। एंड दोनों ही साइड, अब कह लो ऊपर रजिल की नीचे रजिए, ऐसा हमारे दोनों ही आ चुके थे, बट आई एम लाइक यार अभी मुझे मेल्ट नहीं करना है, मुझे यार सबसे पहले भी अपना लेवल चाहिए। ब्लेस किक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं सबसे पहले यार ब्लेस किक लिया। ब्लेस किक के आपको दो चीज़ फायदे मिल जाएंगे, एक देखो ये लो स्वीप है जिससे आप आगे जाते हो, एंड नो डाउट ब्लेस किक का भी आप फायदा से आगे चल जाते हो बहुत बार। देखो जैसे कि ये देखो मुझे नीचे आना था, नीचे वाले को भी मारना था, तो ब्लेस किक मारा मैंने, वो एक किक मार के ऊपर आया, नीचे वाले को डैमेज दिया, आफ्टर ऑल फिर से अपन नीचे आ गए। एक बार ब्लेस किक का ये दो फायदे है यार बहुत ज़्यादा, जो कि मस्त रहता है। एंड ऊपर मुझे पता है कि मेरे बंदे थोड़े से संभाल लेंगे, तो मैं नीचे आया, बट नीचे यार थोड़ी देर के लिए मेरे हाथों से निकल गया ये चीज़। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं जितना जल्दी पाए क्रोमोनेंट को मेल्ट कर दूं, बट उसने ही इस बार मुझे मेल्ट कर दिया। अपना यूनाइट मूव का यूज़ किया था, एंड टेलो फ्लेम एक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा था यार, नो डाउट अपना अगेंस्ट 1v1 बहुत अच्छा निकाल रहा था। एंड यार आप कुछ भी करो यार, बट जो आपके अगेंस्ट 1v1 है उसको निकालना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये ओके एक और अभी देखो मुझे यहाँ पे किल मिलने वाला है, एक मुझे यहाँ पे किल मिला, यहाँ पे गार्डीवर यहाँ से भाग रहा था, गार्डीवर को पकड़ने की कोशिश थी, दूसरा भी किल हमें यहाँ पे ईजिली मिल गया भाई। यहाँ पे सामने हम थे एंड अभी तक उनका जंप पैड नहीं आता, तो ये हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बड़ा एडवांटेज है। पहले यार रिजल्ट की आने से पहले हमने यहाँ पे गोल कर दिया था, मैं यहाँ पे पीछा गया कि यार ज़्यादा एक ओवर अग्रेसिव नहीं जाऊँगा, बंदे यहाँ पे थे, मेरा गोल हो चुका था। आई एम लाइक यार अभी कोई तो काम है नहीं, क्योंकि गोल का जो था वो डन हो चुका है, अगर वो रिजल्ट की टच होता है तो भी सही, नहीं टच होगा तो भी कोई बात नहीं। एंड आई एम लाइक चलो अब लेवल अप कर लेते हैं, किल्स अभी मेरे पास होने वाले हैं, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। एंड मैंने यहाँ पर ट्राई किया था एक अच्छा गोल मारने का, बट मुझे किल मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली, इसमें मुझे किल एकदम ही किल नहीं मिला। एंड यहाँ पे मेरा इंटरनेट भी मुझे बीटी देने लगा था, यहाँ पे मैं पूरा तरीके से ख़त्म हो गया था फॉर इंटरनेट इशूज़। एंड अगेन ये देखो अभी अपन चाहते तो ऊपर जा सकते थे, फाइट में एंगेज हो सकते थे, बट मेरे को अभी फाइट में जाना ही नहीं था, मुझे पता है कि यार मेरे पास सिनरेंस, अगर आपके पास सिनरेंस है आपको किल्स रिलेटेड चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप अगर सिंडेंस यूज़र हो किल लेके चिंता क्यों करना, क्योंकि देखो आपको लास्ट में रेकवाजा को मेल्ट या स्टील या कंफर्म करने का आपको चिंता करना है, और दूसरी चीज़ किल तो यार अपने आप मिलता है। देखो यार किल कैसे अपने आप मेरे पास चल के आएगा, आप देख रहे हो आराम से मैं तुम्हारा भाई अभी जस्ट घूम घूम के
अपना लेवल अप पे ध्यान दे रहा है, बिकॉज मुझे पता है यार मेरा लेवल अप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। ऊपर मैंने देखा यार अभी आने वाला है रिजिल की एंड ऊपर फाइट भी चला था, लाइक चलो अब मेरा यहाँ पे नीड है, यहाँ पे मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था, बट मुझे यहाँ पे एक फटाक से किल भी मिला एंड ये देखो एक और किल, ओके एक और किल, मुझे भी पता नहीं चल रहा यार किल कितना स्पीड में मुझे निकल जा रहे हैं यहाँ पे। ओ माई गडनेस, इसने पकड़ लिया यार, गाड़ी वर साइड में बैठा था, मुझे पता था वो वहीं पर बैठा है, मैं उसके ऊपर इसलिए चढ़ रहा था बिकॉज वो क्लोज रेंज में उतना कुछ नहीं कर पाता है, बट यार उसका अटैक्स यार बहुत ही ज़्यादा ही पार में, मैं कह सकता हूँ यार एक चौथा हिस्सा मेरा डैमेज एक ही बार में कर दिया गया एंड यहाँ पे सोलो में ऊपर था। एंड अब देखो लेवल अप करने के यही ना फायदे ब्रो, मैं जस्ट वेट कर रहा था मेरा एक्स अटैक का, एक्स अटैक आया, एक्स अटैक अपन ने स्टार्ट कर दिया मारना, ब्लेस किक मैं जस्ट यहाँ पे होल्ड करके रखा था, जैसे एक्स अटैक खत्म होगा मैं ब्लेस किक मारूंगा, ये देखो एक्स अटैक खत्म हुआ ब्लेस किक मारता, एंड ब्लेस किक से भी अगर नहीं मेरा जाता तो मैं फटाक से पहले फ्लेम चार्ज का यूज़ करता यार, सारी चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे ऊपर मैंने देखा यहाँ पे एक ही पोकेमॉन था तो ट्राई किया अपन ने मारने का बट मरा नहीं, एंड हमें यहाँ पे रेजियाइस मिल चुका था। मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ से अगर रेजियाइस का अपन यूज़ करते हैं क्या कुछ कर पाएंगे, बट अपने बंदे अभी तक आए नहीं एंड सामने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी भी, एंड यहाँ पे टेलोफ्लेम अब आ गया था तो मैंने सोच लिया अब पुश नहीं करूंगा क्योंकि यार अगर अभी पुश करता हूं तो फिर दिक्कत मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा, टेलोफ्लेम को मैं खत्म करने का कोशिश करता हूं। एंड यार जब भी टेलोफ्लेम जैसा पोकेमॉन अगर आपके अगेंस्ट हो तो अपना ब्लेस की या फ्लेम चार्ज को रोक के रखो कि वो जैसे कूदने आए जब वो ऊपर जाए आप भी काउंट करो कि यस इतना देर में वो गिरने वाला है, जैसे गिरने जाए फ्लेम चार्ज यूज़ करके हटा जाओ एंड हटते ही ब्लेस किक मारो, उसके बाद मैं कह सकता हूँ विद इन 5 सेकंड पूरा तरीका से अगर आप कंटिन्यूसली फायर करते रहोगे तो टेलोफ्लेम एक बार में मेल्ट हो जाएगा, मतलब रुकेगा भी नहीं यार, फ्लेम चार्ज ब्लेस किक उसके बाद 5 सेकंड में पूरा मेल्ट टेलोफ्लेम, आपको जो भी दिक्कत है वो खत्म। ऊपर यहाँ पे बंदे आ गए थे गोल करने के लिए, मैंने सोचा बचाने का एंड मैं सोचा कि यार यहाँ पे यूनाइट मार दूंगा, बट यहाँ पे मैं समझ गया था यूनाइट मार किसे नहीं रोक पाऊंगा, ओ शिट किल्स तो मिल गए थे बट यार जाते जाते गाड़ी वर ने अपना यूनाइट यूज़ कर दिया, एंड इस चीज़ से मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ पे अभी रिक्वाजा आने वाला है, उससे पहले इन्होंने यार पूरा अपना यूनाइट वूनाइट यूज़ कर लिया, उनका जो रिक्वाजा मेल्ट करने वाली गाड़ी वर ही मेरे को लग रही थी मेन थी एंड वही अपना यूनाइट यूज़ करके सारा बर्बाद कर चुकी है। यहाँ पे आप देखो हम और यहाँ पे ग्रीन जाए यहाँ पे बैठे हुए, जस्ट मेल्ट करना स्टार्ट हो चुका ब्रो, एंड जस्ट मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि अब यहाँ पे एक मुझे सिक्योर करना है, सिक्योर किया ब्रो खत्म गेम यहाँ पे भाई, अब हमारा हो चुका है। दो बंदे हमारे मेल्ट करने वाले थे, दोनों ही स्पीड में मेल्ट किए, इसे कहते हैं ना भाई लास्ट चीज़ के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बचे रहो एंड सिर्फ और सिर्फ अपना, मैं कह सकता हूँ कि अपना एबिलिटीज़ को बचा करके, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि टीम फाइट में ना रहो मेरे तरह यार, देखो टीम फाइट भी आपको अटेंड करना इंपॉर्टेंट है, टीम फाइट में भी है, दो दो किल्स निकल गए यहाँ पे, टेलोफ्लेम को भी मारा उससे पहले भी एक को मारा मेरा, यहाँ पे पूरी तरीके से शील्ड जा चुका था, आई एम लाइक अब ये गोल नहीं होगा यहाँ से निकलते जल्द से जल्द अदरवाइज यार मैं पकड़ा जाऊँगा। अब मैं चाहता था यार सेफली जैसे ये गेम जीतना है वैसे ही चुपचाप जाके अब होल्ड कर लेना है, ज़्यादा एक ओवर एग्रेसिवली नहीं रहेंगे यहाँ पर, जस्ट अब मैं कह सकता हूँ कि ये कह लो कि चिल करो, ज़्यादा एक ओवर अग्रेसिवली भी नहीं जाना है, बस चिल करके आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो ब्रो, आगे बढ़ते रहो। अब यहाँ पे एनिमीज आ रहे थे मुझे बताया गया तो हम लाइक चलो यार ऊपर जाते हैं देखते हैं कौन आ रहा है, यहाँ पे क्रोमलैंड इससे तो यार मेरा पुराना दुश्मनी था तो अपन इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आए एंड इसका किल भी हमें यहाँ पे मिल गया, एंड अभी यार किल चाहिए था तो यहाँ पे 48 सेकंड्स बचे थे, मुझे पता था कि अभी कोई नहीं आने वाला है यहाँ पे, ये देखो एक और किल स्टिल भाई। ब्लेस किक के यही फायदे यार, एक सही टाइम पे सही गोल ब्लेस किक द्वारा बहुत ज़्यादा ही आसानी तरीका से हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। एक और किल हमें यहाँ पे मिल गया, मैं सोचा यार चलो चलते एक बार गोल के लिए ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पर देखा नहीं यार गोल नहीं हो पाएगा, मैं जस्ट वेट कर रहा था कि थोड़ा सा इसको ये लोग डैमेज देना स्टार्ट करें एंड इसको डैमेज तो मिला बट यार पिकाचू मेरे को दिक्कत देने के लिए आ रहा था एंड मैं जस्ट यहाँ पे हटने की कोशिश कर रहा था बट मेरा ब्लेस किक उसको कैच ही नहीं कर पाया, जब तक वो नीचे नहीं आएगा ब्लेस किक कैच कर नहीं पाया एंड फ्लेम चार्ज मेरे पे था नहीं कि मैं हट के एक बार ब्लेस किक अगर मैं मार देता तो ऑब्वियसली इतना मैं कंफर्म था कि ब्रो उसको हम खत्म कर सकते थे एंड ऑब्वियसली ये हमारा स्ट्रीम का हाईलाइट होने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग हमारे स्ट्रीम पे नहीं आते हो तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हो तो हम स्ट्रीम भी कर सकते हैं, आप हमें लाइव स्ट्रीम पे भी चेकआउट कर सकते हो। लेट्स सी कि ये मैच में हमने कितने फिनिशर्स निकाले हैं एंड कितना ही ज़्यादा डैमेज दिया है। अब देखो अब पता चलेगा कि रियल ट्रुथ में क्यों सिंधी को स्टीलर बुलाता हूँ एंड एज अ स्टीलर की तरह आपको कहता हूँ कि ऑलवेज यूज़ करो। ऑब्वियसली टीम फाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट एज अ स्टीलर इस भी आपके अंदर होने चाहिए, स्टीलनेस वाले एक स्किल्स भी होने चाहिए। 14 फिनिशेस 7 असिस्ट, यार ये देखो डैमेजेस 52,000 का डैमेजेस जस्ट स्टील।